defense forces uh, are an interesting organization i realized it very early in life when i just about entered training so one interesting incident i will narrate to you which will give you an idea as to how you know what is the psychology of the defense forces how it works what's the culture and all that so hum the poche? तो उस टाइम में फर्स्ट टर्मर्स की ट्रेनिंग जो थी वो घोरपुड़ी में होती थी एनडीए विंग बोलते थे हम उसको बाद में मर्ज हो गया विद द मेन ऑर्गेनाइजेशन एट खड़क वासला तो हम एनडीए विंग में पहुँचे और बहुत सारे हम नॉन फौजी बैकग्राउंड वाले थे कहीं स्विमिंग पूल वगैरह देखा नहीं था तो हम स्विमिंग नहीं जानते थे और स्विमिंग जानना कंपलसरी है स्विमिंग का टेस्ट भी होता है फर्स्ट तो टर्म में ही पास करने के लिए आपको पचास मीटर स्विम करने की ज़रूरत है किसी भी स्ट्रोक वगैरह से तो वो टेस्ट पास करना था तो प्रेशर रहता ही है हर चीज़ का छः महीने ट्रेनिंग के बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं अब एक पूल था करीब वो तैंतीस मीटर का पूरा फुल साइज पूल भी नहीं था अब उसमें हम जो थे हमारा कोर्स करीब था तो मेरे ख्याल से साढ़े तीन सौ करीब का कोर्स था घोरपड़ी में अब उसमें नॉन स्विमर्स वीक स्विमर्स स्विमर्स कैटेगरी अलग अलग बनाते हैं वो तो नॉन स्विमर्स और कुछ वीक स्विमर्स जो कि मतलब वीक स्विमर वो जो डूब नहीं जाते हों बस बाकी हार्डली जानने वाले थे वो तो ऐसे कैटेगरी बनाई हुई थी तो हमारी जो थी दोपहर में लंच के तुरंत बाद जो थी वो एक क्लासे चलती थी खाना खाया जल्दी से भागते भागते पहुँचते थे उधर स्विमिंग पूल के लिए आप स्विमिंग पूल का प्रोटोकॉल है कि आप जो हैं गेम्स ड्रेस में गए हैं आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके गए हैं टावल लेके गए हैं तो पहले जाइए आप जो है शावर बाथ लीजिए स्विमिंग ट्रंक में चेंज करके और फिर पूल में एंटर आपने करना है और उसके बाद फिर जो है निकलने के बाद भी आप शावर बाथ लेंगे उसके बाद चेंज करके जो है आप जाएंगे ये प्रोटोकॉल है नॉर्मल प्रोटोकॉल ऑफ स्विमिंग पूल्स, वो है पैर डिप करना वगैरह जिसमें वो रखा होता है उनका तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज देयर तो अब उसमें क्या होता था अब हमारे को उस्ताद पार्टी जो थी पीटी इंस्ट्रक्टर्स वो वहां पर प्रेशर डालना शुरू करते थे अब ये फौज का ही कल्चर है हर जगह प्रेशर आप पर डाला रहता है जल्दी जल्दी तो वो कहते थे कि अब जो है जैसे हम गेम्स ड्रेस में पहुंचे हैं तो उन्होंने बोला अब यहाँ पर स्विमिंग पूल का जो एंट्रेंस पॉइंट है वो तो वॉशरूम एरिया से बाहर निकल के अब यहाँ पे मैं पहले पांच को लूंगा अब पहले पांच जो आ गए वो तो ठीक है उन्हें सजा नहीं मिलेगी बाकियों को फिर पनिशमेंट मिलेगी वो हॉन्चिंग हॉन्चिंग करेंगे अब क्या होता था अब उसकी वजह से प्रेशर है अब इतने सारे लोग हैं पहले पांच में तो थो... हार्डली statistically कौन आ सकता है पर सब वो सजा बचाने के लिए प्रेशर और जल्दी जल्दी that, that kind of अच्छा मेरा आउटलुक जो है वो थोड़ा थिंकिंग वाला रहा है हमेशा बचपन से ऐसा ही तो मैंने सोचा कि ये तो इसके लिए स्ट्रगल करना बड़ी बेवकूफी की बात है क्योंकि फर्स्ट फाइव में आना तो स्टेटिस्टिकली चांसेस बहुत कम है तो टेंशन क्या है कर लो आराम से कर लो काम पनिशमेंट तो बाकी को भी मिलेगी जो छठा नंबर आया उसको भी पनिशमेंट मिलेगी जो लास्ट आया उसको भी मिलेगी तो मैं भाग दौड़ बिल्कुल नहीं करता था आराम से अपना काम करता था और मैं पनिशमेंट ले, ले लेता था लेकिन जो था क्योंकि मेरा आउटलुक टेंशन ना लेने वाला था तो आई स्टूड आउट उस्तादों की नजर में आ जाता था कि ये सारे लोग जो है ये पागलों की तरह भाग रहे हैं एक अकेला जो है ये टेंशन में नहीं आराम से काम कर रहा है तो मुझे कहते हैं जो मतलब तुम लेट हो जाओगे तो सजा मिलेगी तो मैंने कहा कोई बात नहीं सजा कर लेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम है पर ये आउटलुक जो था उन्हें ठीक नहीं लगता था अब लॉजिक कोई नहीं है उनके पास इसकी पर ये आउटलुक बिल्कुल जो है कल्चरली फौज पसंद नहीं करती कि हम इनका दिमाग को कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि ये प्रेशर में आकर जो है ये तो पागलों की तरह भागते रहे और मेरा बेसिक आउटलुक ये था कि मैं इनको दिमाग का कंट्रोल क्यों दे दूं अपना मैं अपना इतमान से काम करता हूँ सजा लेने में कौन सी दिक्कत है तो सजा तो मिलनी है सो दिस इज जस्ट वन इंसिडेंट आई वॉन्टेड टू नरेट टू गिव यू एन आइडिया एज टू हाउ द साइकोलॉजी ऑफ डिफेंस सर्विस वर्क वॉट काइंड ऑफ कल्चर इज देयर And I am quite sure it is not just uh, in our National Defense Academy. Probably this kind of culture would be existing in all training academies all over the world. But uh, there will be few people like me, like I was not unique. There would be others who would be having a laugh at what is going on and not losing their sense of control and enjoying as to what is going on. Fine, thank you.